अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो हमारे बरीटोज़ के लिए हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है सार क्रीम। सार क्रीम रेडी करने के लिए हमें चाहिए 300 ml क्रीम, 6 टेबल स्पून मिल्क, 4 टेबल स्पून लेमन जूस, और इन्हें हम वेल कंबाइन करके हम फिर इसको ओवरनाइट रख देंगे फ्रिज में। वैसे प्रेफरेबली हम बाहर भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट प्रॉब्लम ये है कि एक रिस्क होता है कि क्रीम ख़राब ना हो जाए या कुछ। वैसे तो हमें इसे थोड़ा सा टाइम देना है ओवरनाइट हमें इसे, ताकि ये प्रॉपर सार क्रीम बन जाए, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम फ्रिज में ही रख दें। इसको पूरा मिक्स करने के बाद क्लिंग रैप चढ़ा के हम इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। ओके, जो इसका मीट का मिक्सचर है उसके लिए हमने लिया है 1 kg बीफ का कीमा। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले, क्योंकि हम इसे मैरिनेट कर देंगे पहले ताकि ओवरनाइट मैरिनेट हो अच्छे से, उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं ये 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, फिर हमारे पास है 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, टू टेबल स्पून धनिया पाउडर, हमारे पास है 1 टेबल स्पून व्हाइट पेपर पाउडर है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, टू टेबल स्पून लेंगे हम वर्स्टेशायर सॉस, टू टेबल स्पून चिली सॉस, टू टेबल स्पून सोया सॉस, वन टेबल स्पून ऑरिगानो। अब ये जो हमारी चॉप्ड अनियन है ये हम सिर्फ मैरिनेट करने के लिए रख रहे हैं अपने बीफ को। हम जब कुक करने लगेंगे तो हम अपनी अनियन को साथे करेंगे। अभी सिर्फ ये इंग्रेडिएंट हमें मिक्स करने अच्छे से। लास्ट में 2 टेबल स्पून विनेगर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट क्लिंग चढ़ा के ओवरनाइट रख देंगे मैरिनेशन के लिए। ओके, अब बीफ के कीमे को कुक करने के लिए हमने लिया है 1/2 कप ऑयल, 1 कप हमने ली है चॉप्ड अनियन, रफली चॉप्ड अनियंस हैं या 2 स्मॉल अनियंस ले लें। इनको हमने करना है सौते सबसे पहले। ये अब हमारी प्याज जो है वो सौते हो गई है, अब इसमें हम अपना मीट डालेंगे। ओके, हमारे जो असॉर्टेड राइस हैं या हम जो फ्लेवर्ड राइस बनाएंगे उनके लिए सबसे पहले हमें लेना है 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक, और इसको हल्का सा सौते करना है। इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ये है 1/2 कप रेड कैप्सिकम या बेल पेपर, फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कैप्सिकम। सिर्फ इसको हमें बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है कि हमारी जो कैप्सिकम और बेल पेपर है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना 1 कप रेड बीन्स। अब हम इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, इसको हल्का सा सौते करना है क्योंकि हमारे जो रेड बीन्स हैं वो ऑलरेडी बॉयल्ड थे। तो बस अब हम इसको, हमने 5 मिनट्स के लिए कर लिया है इसको हल्का सा सौते। अब हम इसके अंदर अपने ऑलमोस्ट ये 1 कप हमारे राइस हैं, तो ये हम अपने राइस डालेंगे। इस
इसे राइस हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड थे, तो हमें बस इसको एक अच्छा सा मिक्स देना है, मिक्स करना है। हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं हिलाना कि वो मशी हो जाएंगे। ओके, ये हमारा जो बीफ का कीमा है वो पूरा हो चुका है, ये पूरा पक गया है। इसे ऑलमोस्ट 15 to 20 minutes हो सकता है, 20 minutes से थोड़े ज़्यादा भी लग जाएँ तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरा कुक हो गया। इसका पानी पूरा उड़ चुका है। इसके अंदर लास्ट एक हम टच देने के लिए ऑलमोस्ट 1 cup चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। अब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, बस अब इसकी जो हमारे बरीटोज़ हैं उनकी असेंबलिंग की तरफ आएंगे। ओके, अब जो हमारे रैप्स हैं या टोटियाज़ जो हैं उन्हें हमें हल्का सा, वैसे ये ऑलरेडी कुक्ड होते हैं बट हमें हल्का सा इन पे, इन्हें हल्का सा हम हीट करेंगे एक तरीके से। ये टोटियाज़ जो हैं बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, अब सुपरमार्केट से मिल जाते हैं आपको। प्लस ये कि हमें इन्हें बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं करना वरना ये ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे। इन्हें बहुत हल्का सा हमें हीट करना है। ओके, सो बरीटो की असेंबलिंग के लिए हमने 150 ग्राम चेडर चीज़ ले लिया है, 150 ग्राम मोज़रेला ले लिया है, ये हमारा ऑलमोस्ट 1 cup कॉर्नस हैं, उसके साथ हमने 6 to 7 pieces ऑलिव्स ले लिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स। फिर हमारी ये सार क्रीम थी जो हमने ओवरनाइट रखी थी। फिर ये 4 to 5 पोटैटोज़ हैं, उनको हमने बिल्कुल जैसे फ्रेंच फ्राइज़, रेगुलर हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं उसकी तरह बना लिए थे, उसकी तरह हमने फ्राई कर लिया था। और ये हमारा हीट हुआ टॉर्टिया है। ओके, सो सबसे पहले हम लेंगे अपना चेडर चीज़। फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपना थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। फिर हमारा जो बीफ का कीमा है वो हम डालेंगे। नेक्स्ट लेयर हमारी राइस की है। ओके, इसकी लेयर के बाद हम डालेंगे अपने कॉर्न्स और ऑलिव्स। फिर हम डालेंगे अपनी सार क्रीम, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाएंगे हमारे फ्रेंच फ्राइज। उसके बाद हमें इसे करना है रैप। अब हम इसे सबसे पहले अपने जो हमारे चीज़ की साइड है उससे रखेंगे। अब हमें इसे फ्लिप करना है।